पाने का वो अपने मुताने बाद लेके आए हैं कि हम अपना एहतजाज दर्ज करने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिलाज तकलीफ पेश करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और अपना एहतजाज शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जय। पालिका के अंदर हमारे कांग्रेस विकलांग सेल, MIM विकलांग सेल और NCP विकलांग सेल, हम तीनों पक्ष ने एक साथ आके महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये मुतालिबा किया है, ये जो विकलांग लोगों के छच्चे रहने के पैसे जो लुके हैं ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए और स्मार्ट सिटी बस्ती के अंदर जो बदउनवानियां हो रही है विकलांगों के साथ उसके बारे में भी हमने ये मांग की है। और आज हमारे विकलांग लोगों का साथ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबिका गद नेता और साबिका अपोजिशन लीडर नासिर सिद्दीकी साहब और जमीर अहमद कादरी साहब यहाँ आए, विकलांगों की हौसला अफजाई की और हमारे हक में उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की है। हम इनका बेहद मशकूर और ममनून है कि विकलांगों का साथ दिया। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिस दिन हम तीनों पक्ष ने आगे विकलांगों के लिए आवाज उठाए और इन दोनों लीडरों ने हमारी हौसला अफजाई की है, उसी तरह सभी औरंगाबाद के जितने भी पार्टी से ये सब आगे आइए और विकलांगों का साथ दीजिए। मैं एक बार फिर नासिर भाई का और जमीर भाई का बहुत मशकूर और ममनून हूँ और जमीर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। एक तो मैं कमिश्नर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने तो तमाम विकलांग जितने भी हमारे अपाहिज भाई है उनकी जो मदद करने का ऐलान किया, उन्होंने ये ऐलान किया कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी से जो बसेस चढ़ी है उसमें 40% से ऊपर जो भी अपंग होगा अपाहिज होगा उसे पूरी तरह मुफ्त सेवा दी जाएगी और उसका एक लेटर भी निकाला है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो लोगों के पैसे 6 महीने का बैलेंस है वो 2-2 महीने करके तो उनको लौटाए जाएंगे और जो लोगों को पैसे नहीं मिले उनकी फाइलों पर भी अभी गौर चढ़ा है और उन्हें भी पैसे जारी किए जाएंगे। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने तफसीली उनसे बातचीत की और मैं समझता हूँ जहाँ तक अपंगों का अपाहिजों का मामला है उसमें सियासत नहीं होना चाहिए और हम दोनों भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं लेकिन जहाँ पर अपाहिजों की बात आएंगी, इंसानियत की बात आएंगी, हम किसी भी समाज के साथ किसी के भी साथ खड़े रहने को तैयार हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे फ्यूचर में भी। हम ये वादा करते हैं अपंगों से कि आपकी हर मांग के साथ हम खड़े हैं, हमारी जमात खड़ी है और हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। देखिए आज विकलांग सेल के तीनों जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मोहसिन भाई है, अंसारी साहब है और दूसरे भाई हमारे ये मुनीर भाई, ये आज सब लोग यहाँ पर एक डिमांड लेकर आए थे कि इनको लगभग 3,500 जो है हमारे विकलांग भाई जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, नोंद हुई हुई है उनकी, जिसमें से 2,000 लोगों को जो है तो कुछ पैसे मिले और बाकी के भाई तैयार है और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे फ्यूचर में भी। हम ये वादा करते हैं अपंगों से कि आपकी हर मांग के साथ हम खड़े हैं, हमारी जमात खड़ी है और हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। देखिए आज विकलांग सेल के तीनों जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मोहसिन भाई है, अंसारी साहब है और दूसरे भाई हमारे ये मुनीर भाई, ये आज सब लोग यहाँ पर एक डिमांड लेकर आए थे कि इनको लगभग 3,500 जो है हमारे विकलांग भाई जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, नोंद हुई हुई है उनकी, जिसमें से 2,000 लोगों को जो है तो कुछ पैसे मिले और बाकी के 1,200-1,500 लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिले और किसी को आधे मिले। तो ये और उसके अंदर दूसरा ये था कि सिटी बस में जब लोग सफर करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 40% से ज्यादा अगर विकलांग है उसको टोटल फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सबूत के साथ कमिश्नर साहब को बताया कि ये टिकट हमसे फाड़े जा रहे हैं और हमारे से पैसा उछूला जा रहा है, तो कमिश्नर साहब ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए
तुरंत वहां पे फोन पे लगाया कि सारे कंडक्टर्स को आप जो है तो एक नोटिस निकालो कि ये विकलांगों के पास से एक रुपया भी नहीं लेंगे, अगर मेरी सिग्नेचर और मेरा लेटर चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, इनके जो पैसे रुके हुए थे, कमिश्नर साहब ने कहा कि अभी हमारे पास में कुछ लोगों के इनके अकाउंट नंबर के अंदर कुछ गलतियां थी तो वो दुरुस्त की जा रही है, और जिन लोगों को पैसा नहीं मिला तो ये मार्च के पहले वो सारे पैसे इनके रिलीज कर देंगे। तो ये तमाम लोगों की तरफ से मैं महानगर पालिका के कमिश्नर चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन लोगों को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि जब भी आपको जहाँ भी हमारी जरूरत रहेगी हम आप लोगों के साथ में आए। थैंक यू। अच्छे आज औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर एमआई विकलांग सेल, कांग्रेस विकलांग सेल और राष्ट्रवादी विकलांग सेल के तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था, जिस मेमोरेंडम के अंदर कुछ हमारी मांगे थी और उस मांगों के अंदर जो जैसा स्मार्ट सिटी का पास या स्मार्ट सिटी में जो है तो दिव्यांग के लिए पूरा फ्री कर देना, तो कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया है। और आज से हो या कल से हो ये जो है तो आपको कोई भी कंडक्टर विकलांग को अगर महानगर पालिका स्मार्ट सिटी का टिकट मांगता है तो उसको आप बिल्कुल टिकट ना दे, उसके अंदर आप बाकायदा आपका वीआईडी कार्ड बना के फिर बताकर फिर सफर कर सकते हैं। साथ में रखो वीआईडी कार्ड जो है तो आपने किसे में रखो, और कंडक्टर को सिर्फ वीआईडी कार्ड बताने के बाद आप जो है तो फ्री में सफर कर सकते हैं, और जो आपके साथ में रहेगा उसको आधा टिकट देना है। और उसके बाद जो है तो कुछ 3,500 लोगों की नोंद हुई है जिसमें से 2,000 लोगों को पैसे मिले हुए 6 महीने के, 3 महीने के या 4 महीने के, और उसमें से जो कुछ लोग छुट्टी के थे जिनके अकाउंट नंबर खराब होने के कारण उनके पैसे वापिस आए तो उनका भी जो है तो जल्द से जल्द उसकी भी यदि पूरी तैयार हो चुकी है और उनका भी काम बहुत जल्दी होने वाला है। और इसमें जैसे भी हमारे एमआईएम के जो नासिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने आज हमारा हौसला अफजाई किया, मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी